देख रहे हैं फिर कैसे आके तन के खड़ी हो गई है हमारे सामने? ऐसे आता है कोई माँ बाप के सामने? पहली बात ये रहीला आंटी, आप मेरी माँ नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप मेरी बहन के लिए कोई गलत फैसला करेंगी तो मैं आपके सामने आके ऐसे ही खड़ी हो जाऊंगी। अम्मा ने एक सही फैसला करके जाते जाते अपनी आखिरत संवारनी, वरना मेरे यतीम भतीजे और बेवा भाभी के हक पे डाका डालने के लिए तो बहुत से लोग नजरें जमाए बैठे थे। समीना भाभी नजर नहीं आ रही, नाश्ता नहीं करेंगी? सुबह सुबह चली गई ऑफिस, शायद कोई काम था जरूरी। अम्मा ऑफिस? चलो अच्छा ही है। हाँ बड़ा अच्छा है, ऑफिस चली गई। घर की औरतें जब ऑफिस जाने लगे तो उस कारोबार पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। बिजनेस भी तो जहीर भाई का है, तो हक भी समीना भाभी और फाखिर का ही है। किसका हक है उस पर? उस कारोबार पर मेरा हक है। मैंने वक्त लगाया है उस कारोबार पर, उसको मजबूत बनाने में मेरा हाथ है। मैंने मशवरे दिए हैं भाई साहब को, और जब वो कारोबार शुरू हुआ था ना, जब पैसे नहीं होते थे भाई साहब के पास, तो पैसे बचाने के लिए मैंने राइडर तक का काम किया है। कुछ लोग भरोसा तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ना वो भरोसे के काबिल रहते हैं और ना शिकायत के। तो मते मत लगाओ, ना मैंने किसी का भरोसा तोड़ा और ना ही धोखा दिया है। और अगर ऐसी बात होती ना तो जहीर भाई कब का इनसे अपना बिजनेस अलग कर लेते। ये धोखे की जो भी बात है ना, ये एक सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। और हम सब समझते हैं कि हबीब अपना बिजनेस अलग कर लें तो इसलिए एक बहाना बना लिया है। कुछ तो हकीकत होगी इस बात में। हकीकत? तुम्हें क्या पता हकीकत के बारे में? हाँ तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारे जैसी औरतें ही होती हैं जिनकी वजह से शौहरों की जिंदगी में नाकामियों की मोहर लग जाती है। ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे, ना अपने किसी काम आ सकते हैं ना दूसरों के। मेरी अम्मा से तमीज से बात करें आप। तुम तमीज से बात करो राहिला से। मेरी अम्मा आपकी ही बीवी है और उनके लिए इज्जत का सुलूक मांग रही हूँ मैं। बस है नहीं, चुप रहो तुम, बाप है तुम्हारा। नहीं ठीक है, रहने दो, मैं जानता हूँ। जब से इनकी सास और इनके शौहर के हाथ में गद्दी आई है ना, तब से इनकी जबान लग गई है बहुत ज्यादा। ये मेरा हक जो तुम लोगों ने छीना है ना, मैं एक एक को देख लूंगा। नहीं करते नाश्ता तो ना करें। लो आयशा, चलो बेटा नाश्ता करो। क्यों बेटा? खैर जान, नहीं नहीं फिक्र की क्या बात है, इस घर में तो सिरे से ही सारे हमारे खिलाफ हैं पहले। अरे हबीब को तुम बहुत पसंद आए हो। हाँ तुम तैयारी पूरी रखो अपनी, डायरेक्ट निकाह करवाएंगे सही? तुम आप होते कौन है कि आप मेरी बहन की शादी करवाए? पर निकल आए तुम्हारे, ये जो तुमने किया है ना इसका जवाब तुम्हें हबीब देंगे। आपको जो करना है ना आप करें, अब्बा को हमारे खिलाफ करना है आप करें, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी बहन की शादी मैं उस लड़के से नहीं होने दूंगी। तुम कैसे नहीं होने दोगी? हाँ तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं करवा के रहूंगी ये शादी। अच्छे तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाई हो, हाँ तो अपनी बहन के लिए क्या करोगी? ता, अपने लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन अपनी बहन के लिए अपने कदम जमा के खड़ी हूँ मैं। मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी और इस चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आप मेरी एक बात सुन लें, जो आप मेरी बहन की शादी करवा रही है ना अपने रास्ते से पत्थर हटाने के लिए, सब समझ रही हूँ मैं। बेहतर होगा अगर आप अपने लिए नहीं करें। भी? Like you. मजा आएगा।
आइए मैम, आइए, ये आपका ऑफिस है मैम। मैडम फाकिर साहब नहीं आपके साथ? छोड़कर गए हैं, अभी आते हैं। ओके ठीक है मैडम, ठीक है, आप बैठे हैं, रिलैक्स करें, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऐसा फैसला कैसे कर सकती हैं अम्मा? बहुत गलत फैसला किया अम्मा ने। अभी अपनी सखी और आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मा ने हमें से किसी के बारे में भी नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम। हाय, बहुत काम था यार आज ऑफिस में। क्या बात है फहमी, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं मैं आपको सचात, अम्मा ने एक अलग ही से आपको खड़ा कर दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस, घर, जायदाद, जमीन, सब कुछ अम्मा ने भाभी और फाहर के नाम कर दिया है। आप तो इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है भाई, वो सब कुछ जहीर भाई का था तो उस पे हक समीना भाभी और फाकिर का ही बनता है। आप तो हमेशा उल्टी ही बात कीजिएगा। क्या हम कुछ नहीं लगते जहीर भाई के? हम बहन भाई हैं, हमारा भी हक है। अब इसी तरह से जायदाद भी हमारा हक बनता है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता और ना ही हबीब का। भाई वो जहीर भाई का जाती घर और कारोबार था, बल्कि तुम्हें तो जहीर भाई और उनकी फैमिली का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम दोनों बहनों की, हबीब की शादी करवाई, हबीब की जिम्मेदारियां संभाली। अब तुम लोग उनकी जायदाद पे नजरें गाड़े बैठे हो, बहुत अफसोस की बात है। वैसे सज्जाद, कभी कभी मुझे लगता है कि वो लोग आपके सके और हम लोग गैर हैं। फराज भाई को देखें, कैसे साइका आपा के साथ साथ रहते अपना हक लेने के लिए, और एक आप है। जिस चीज पे हमारा हक बनता ही नहीं वहां हम अपना हक क्यों जताएं? और बात सगे और गैर की नहीं, बात सही और गलत की है, तभी तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही। आप तो रहने ही दे, आपके अपने कोई बहन भाई नहीं ना, इसीलिए अगर बहन भाई होते तो आपको अंदाजा होता कि बहन भाई रिश्तेदार कितने जरूरी होते, कितना हक होता है एक दूसरे पे, और इसीलिए जायदाद पे भी हमारा हक बनता है। मैं फोन करूंगी हबीब को। पता तो तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह है फहमी, लेकिन तुम अपनी लालच के चक्कर में सारी चीजें नजरअंदाज कर रही। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, इस मामले से दूर रहो। आप दूर रहे हमारे घर के मामलात से। पता नहीं मैंने ये बात आपसे कर ही क्यों ली, मुझे अपने घर के मामलात में आपसे डिस्कस ही नहीं करने चाहिए। मेरा काम तो तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी।
अब प्लीज मेरे लिए खाना लगा दो, ये बातें छोड़ो। आगे जी आपका महान कॉलेज। तू तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो तुम्हें। आप ना तो आज स्कूल से कॉलेज में पहली दफा कदम रख रही हूँ, मेरी तो दिल की चाहत पूरी हो गई। हाँ वो तो है। अच्छा वो तो तुम्हारा एडमिशन ऑफिसर है, जरा फीस जमा करवा के। एक मिनट रुको सर, मैं कॉलेज की ना अपनी पहली फीस खुद जमा करवाऊंगी। ये पैसे तो लेके ना। फाखर ये लो। क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? तुम्हारा भी कॉलेज में पढ़ने का दिल कर रहा है? फीजिबल भी होगा, बस ये फॉर्म फिल करना। चलो कैंटीन में बैठ के करते हैं, साथ साथ कुछ खा भी लेंगे। अच्छा चलो। गरम गरम समोसे खा के देखो, ठंडे हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। हाँ बस एक मिनट, बस दो तीन चीजें रह गई हैं। तो काम करो ना, ये जूस पी लो जब तक। दो मिनट रुक जाओ यार। नहीं ना, जब तक जूस पी लो, अकेले अकेले करो, अजीब सा लग रहा है मुझे। फाखिर ये तुमने क्या किया है? आखिर मैंने इतनी मुश्किल से ये फॉर्म भरा था, अब क्या होगा? मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, हाथ लग गया गलती से। तुम रुको, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा फॉर्म लेके आता हूँ जल्दी से। सॉरी, तुम जब तक समोसे खाओ, जूस पी लो जितना भी बचा। पर हबीब है घर पर? तो हटो हबीब, मुझे ये बताओ कि मुझे पता चला कि सब कुछ इतनी सारी से कैसे हो गया? तुमने कैसे सब कुछ जाने दिया भाभी के हाथ में? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बस हो गया अभी है। अम्मा को भी पता नहीं क्या हो गया था। वैसे अभी तुम हिम्मत मत हारो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या मतलब क्या हो सकता है? तुम क्या हम बहन भाइयों के सरों पे खड़ी रहोगी? जाओ जाके चाय बना के लेके आ जाओ। हम नहीं, नहीं ये फरमाइशें आप मुझसे ना करें, मैं आयशा नहीं हूँ, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। नहीं नहीं तुम बोलो, राहिला के सामने बीवी है मेरी, क्या मतलब इसी के सामने बात होगी सारी, बोलो। देखो मैं ये चाहती हूँ कि भाभी ना सारा बिजनेस अकेले हजम नहीं करे। बिजनेस में हम बहन भैया का जो भी हिस्सा बनता है ना, वो हम सबको दे दें। और इसके लिए तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हिस्सा सिर्फ मुझे और तुम्हें मिलेगा, सायका को नहीं मिलेगा। उसे नेक बनने का शौक है, वो आजकल बहुत नेक बनी घूम रही है, वो नेक बनी रहे। छोड़ो उस नेक बेबी को, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसका शौहर कितना लालची है, उसको अपने साथ मिला लो। क्यों आता पैसा किसको बुरा लगता है? अगर आप दोनों भाई बहनों की इजाजत हो तो मैं कोई मशवरा दूं। हाँ हाँ बोलो राहिला। एक बात बताएं, आप इतने अरसे से ऑफिस जा रहे थे, किसी को जानते तो होंगे वहां पे, किसी से जान पहचान होगी आपकी ऑफिस में? मैं हाँ फावर अहमद जो मैनेजर हैं उनसे मैं रबते में हूँ,
मैनेजर से रबते में है ना, तो उनसे कहें कि समीना भाभी कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं है, घरेलू औरत है। उनके लिए चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दें ऑफिस में, इतनी उलझा दें कि उनका पहला दिन ही ऑफिस में उनका आखिरी दिन हो जाए। ऐसे पता नहीं, हमारे घर का अंदरूनी मसला है ये, अब वो क्या सोचेंगे, उनसे ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अभी क्या मुनासिब और गैर मुनासिब ऐसे हालात में, इसे भी ऑफिस का काम संभालना इतना आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, और चीज़ें जितनी उलझी हुई होंगी उनके लिए सुलझाना उतनी मुश्किल होगी, वो घबरा जाएंगी, बस इतना ही करना है उन्हें। वैसे हबीब, राहिला ठीक कह रही है, चलो ठीक है, मैं फिर आखिर भी तो है, अच्छा है वो अलिफ पे भी नहीं जानता है बिजनेस की, फखर का कुछ सोचा हुआ है मैंने, उसके लिए परेशान ना हुआ। मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने देख लिया तो मुझे बता दें, इसमें अगर कोई चेंजेस करवानी है तो वो भी मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ, ये मैं देख लेती हूँ। फाकिर साहब को ज़रा भेजें यहाँ। मैडम फाकिर सर तो अभी ऑफिस में नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ी देर दें मैम। ठीक है मैडम, ठीक है, मैं आपके लिए चाय भिजवा दूँ। क्या करूँगा मैं, क्या हुआ स्टीफॉलर, तुम्हें ये कौन है खबा खा गुस्सा करेंगी अब। जी अम्मा। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ अभी। रास्ते में क्या मतलब, तो ऑफिस में हो क्यों रही, काम कोई मजाक तो नहीं है ना? जी जी, अब फौरन पहुँचो यहाँ पे। आता हूँ आता हूँ। क्या कह रही हूँ बड़ी अम्मी, गुस्सा कर रही है, कह रही है जल्दी ऑफिस आओ। हेलो। हाँ बखावर, क्या हाल है, ठीक हो तुम? वो लंच ब्रेक में मिल सकते हो मुझसे? जी सर बिल्कुल मिल सकता हूँ, किस सिलसिले में सर? वो मैं बताता हूँ, तुम काम करो वो ऑफिस की पिछली रोड पे जो खान कैफे, वहाँ तुम डेढ़ बजे मुझसे मिलो, ठीक है? ओके सर। वो जो अमेरिका से वेकेशंस पे आई हुई है, उस लड़की को बुला लें। नहीं? कौन? ज्यादा अनजान ना बनो, मुझे सब पता है। आप ना तुम्हारे वो नन्हे मुन्ने से मियाँ की नन्ही मुन्नी गर्लफ्रेंड,
आयशा, मुझे एक काम था तुमसे। मुझे आगे ही बहुत काम है, तुम ही मुझे काम दोगी। ऐसा कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है। वो मेरी एक दोस्त शिफ्ट हुई है यहीं कहीं मोहल्ले में, अहमद के घर के पास, पर मुझे तो अहमद का घर ही नहीं पता। अगर तुम बता दो तो। बाई जानब जाओ, 3 घर छोड़ के 14 घर। थैंक यू। अब वो 2 रोटी ज्यादा डाल देना प्लीज। हो सकता है मेरी दोस्त भी आ जाए। तुम्हारी दोस्त। मैं तो आपको नहीं जानता। जान भी जाओगे और पहचान भी जाओगे। एक्चुअली मैं फाकिर की छोटी चची हूँ। फाकिर को तो दोस्त मानते हो ना तुम? जी जी, समझ गया मैं, इसलिए देखी देखी लग रही हैं आप। वैसे आप फाकिर के चचा की दूसरी बीवी हैं, राइट? आप सौतेली चची? आप चची में भी कोई सौतेला सगा होता है क्या? चची तो चची होती है। चलिए, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं फाखिर और रैनी को अपने बच्चों की तरह समझती हूँ। इसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई थी। क्या बात करनी थी आपको? वो ठीक तो है ना? ठीक नहीं है ना। अगर ठीक होता तो तुम्हारे पास आती क्या मदद मांगने? तुम्हें तो पता है ना उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया है। इतनी सी उम्र में उस पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। वो भी सबके लिए रेडी नहीं था। मैं चूंकि उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि उसका बचपन खत्म हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम रोज रात को आ जाए करो, मैं दरवाजा खोल दूंगी। तुम्हें पता है ना फाखिर को इस वक्त इंजॉय करने की जरूरत है, मूड अच्छा करने की जरूरत है। थोड़ा घूमेगा फिरेगा तुम्हारे साथ तो उसका सहन अच्छा रहेगा। यही तो हम सब उसे कहते हैं, वो वक्त से पहले बड़ा हो गया है। पहले तो फिर भी आ जाया करता था, अब तो उसे ज़बरदस्ती रात को मैं एक दफ़ा बाहर लेकर गया था और अगले दिन आंटी ने उसे डांटा था, उसके बाद से वो नहीं आया। पहले तो फिर भी अपने दिल की बात करता था, आमना का जिक्र करता था, अब तो वो भी नहीं करता। ना? कोई आमना भी थी फाखिर की जिंदगी में? न सिर्फ थी बल्कि है, वो आजकल पाकिस्तान ही आई हुई है वेकेशंस पर। अच्छा, तुम आ जाए करो घर। हाँ ठीक है, मैं अब मैं आ सकता हूँ। अरे फरहाज भाई, आप यहाँ ऑफिस में इस वक्त? जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि ये मेरे पास कुछ अमानत है ऑफिस की, तो आपको देता चलूँ, आप देख लें। ये क्या है? पुरानी सप्लाई का हिसाब किताब है, आप देखें, एक पाई भी इधर से उधर नहीं हुई, बल्कि इस साल तो मैंने बजट से कम में सप्लाई की है, फायदा पहुंचाया है बिजनेस को। भाभी, कुछ कहना था आपसे। मैं इस खानदान का दामाद हूं और जहीर भाई का बहनोई सही, लेकिन मैं एक सच्चा खरा और ईमानदार आदमी हूं, इसीलिए जहीर भाई ने मुझे इस कारोबार का हिस्सा बनाया। और यही वजह थी कि आए दिन हबीब से मेरे झगड़े रहते थे, सारी बातें आपके सामने हैं। हबीब तो एक तरफ बैठ गया था, वो मैं ही था जो फाखिर के साथ आखिरी वक्त तक लगा रहा कि ये बिजनेस कामयाब हो जाए। भाभी, आप अपनों से बढ़कर मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जाहिर है बिजनेस में आपको और फाखिर को किसी अपने की जरूरत तो पड़ेगी, और वैसे भी किसी
गैर पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इस काम का, मैं इस कारोबार को समझने लगा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं इस काम को अच्छे से निभा सकता हूँ। मैं समझता हूँ भाभी, हबीब ने बिजनेस में बहुत घपले किए हैं, इसलिए किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे एक मौका दें, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। चलता हूँ। सॉरी, वो हमारे घर में तो होशो आवाज किसी बड़े के पास भी नहीं है। मैं तो फिर भी बच्ची हूँ। और बहुत बोल भी नहीं है बच्ची। हाँ, वो जो अमेरिका से वेकेशन पे आई हुई है, उस लड़की को बुला ले। कौन? ज्यादा अनजान ना बनो, मुझे सब पता है। आप ना तुम्हारे वो नन्हे मुन्ने से मियाँ की नन्ही मुन्नी गर्लफ्रेंड शिप झाड़ू सही से लगा वहां से भी। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसा रहा आपका ऑफिस में पहला दिन? ठीक था, अच्छा था। अच्छा, अच्छी बात। आज आप 4 बजे ही आ गए थे यहाँ? हाँ, पहला दिन था ना, इससे पहले कभी ऑफिस तो गई नहीं हूँ मैं, तो जरा थक गई थी। कोई काम था मुझसे? नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं तो बेकार आदमी हूँ भाभी। वो राहिला बता रही थी, उसके किसी कज़न ने तुम्हें अच्छी जॉब की ऑफ़र की है, कर लो। मेरा ख्याल है इस तरह अच्छी ऑफ़र को गवाना अकलमंदी नहीं है। हाँ, मैं कर लूँगा वो जॉब, ज़ाहिर है मुझे काम आता है, तो जिन्हें काम आता है उन्हें काम की कमी नहीं होती ना भाभी। हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। हाँ हाँ, ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि फाखिर बच्चा है और आपको कोई तजर्बा है नहीं। मैंने भाई साहब के साथ वक्त लगाया इस कारोबार पे, तो मुझे चीज़ों का ज़्यादा अंदाज़ा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, तजर्बा तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है ना, फाखिर को भी आ ही जाएगा, और तुम भी तो कोई सीख कर पैदा नहीं हुए थे, वक्त के साथ ही सीखा है। ज़ाहिर है, काम करते करते ही काम आता है। मैं बस चाचा की हैसियत से चाह रहा था कि उसे कुछ सिखा दूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती। बाकी जॉब का मसला नहीं है, वो तो राहिला ने लगा दी है मेरी जॉब। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, ज़रूरत हुई तो वापस तुम्हारे पास ही आएगा। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। फिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आज घर आने में? क्या हुआ तुम्हें? ऑफिस से आ रहा हूँ।
पिकनिक मनाने थोड़ी गया था। मैंने तुम्हें कॉल भी कॉल्स की थी, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। डेड हो गई थी यार मेरे फोन की, दाल मेरी हो रही है। कुछ खाने के लिए बना हुआ है। लेकिन बड़ी अम्मी तो आ गई थी ना शाम को 4 बजे। नहीं नहीं, वो कुछ कागजात साइन कराने आई थी। मैं वहाँ पूरा दिन दिहाड़ी लगा रहा था, फुहार हो रहा था। मैं चला जाऊँ ऑफिस से तो फिर सभी उड़ जाएंगे। अच्छा सॉरी, इतने सवाल जवाब किया तुमसे, बस परेशान हो गए थे मैं। तुम थक गए होगे, आराम से बैठो, तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। बाकी सबने तो खाना खा लिया, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। फाखिर फाखिर उठो, खाना खा लो, बाद में सोना, पहले खाना खा लो। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिर लो खाना खा लिया क्यों यार? खा लूंगी। तुम बैठो, 12 घंटे बाद खाना खा रहे हो। जिसकी भी कॉल आई ना, तुम मिस कॉल देख के बाद में फोन करो ना। अभी सुकून से खाना खाओ फाकर। कौन है तुम? खाना खाओ, मैं देखती हूँ। चाची, क्या हुआ? इधर इधर आंखें खोलो यार, क्या हुआ? होश में आओ, क्या हुआ? ना मेरी बच्ची, क्या हुआ? सोचो, पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? एनी, चुप चुप। देखे एनी, एनी बच्चा, क्या हुआ, क्या हुआ? हम लोग अभी खाना ही खा रहे थे, इसको पता नहीं क्या हुआ। एनी, सारे दिन काम, क्या हुआ, ये होगा? अरे क्या हुआ बताओ, मेरी बात नहीं हुई है। जैसे ही डॉक्टर आता तो मैं आपको बताता हूँ ना। अभी वो अंदर ही है, जब मैं बात करता हूँ शौक। भाई बाबू देखो ना, जाती बहुत देर हो गई है। मैं करके आता हूँ, मालूम फिर देखता हूँ क्या हुआ। हाँ जाके पता तो करो एनी की तबीयत ठीक है कि नहीं। फिर एनी अभी आपके साथ कौन है? जी मैं हूँ। आप कौन है इनके? आप इनके हस्बैंड हैं? जी मैं शौन। इस उम्र में शादी की है आपने? माँ कहाँ है इनकी? मैं माँ हूँ सब। अब कैसी मेरी बच्ची? ठीक तो है वो, तबीयत कैसी है उसकी? इतनी सी उम्र में कैसे ठीक हो सकती है वो? आपको पता भी है वो प्रेग्नेंट है। कह रही है आप? माँ बनने वाली है बेटी आपकी। ये कैसे हो सकता? आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे आपने शादी करते टाइम सोचा ही ना हो। अभी तो वो खुद इतनी छोटी सी है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल दी उस बच्ची पे? मुझे तो आप लोग पढ़े लिखे लोग लगते हैं, इस तरह से की जाती है आप लोगों के यहाँ शादी? बच्ची से मिल सकती, तो देख सकती। जी आप मिल सकती हैं, लेकिन अभी कुछ देर वो यही रुकेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम।
अच्छी तरह से जान बेहतर मछुआना से चक्कर हो गए थे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग फालतू वो परेशान हो गए तो नहीं छुड़िया। गुड़िया जो मैं आपको अभी बात बताने वाली हूँ ना, शायद आपको अजीब लगी सुनने में, लेकिन एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। आप मां बनने वाली, मैं नहीं जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ आप छोटे हो अभी बात, लेकिन बूढ़ा वक्त के साथ ना औरत तस्लीम कर लेती है, उसकी उसकी ममता जा जाती है अंदर की। हाँ, और है ना सब ठीक कर देंगे शहजादी, देख लो सब ठीक हो जाएगा, मेरी जान और मैं बहुत बच्चा बस पर